विश्व हिंदू परिषद की ओर से रविवार को जयपुर में भगवा रैली का आयोजन हुआ। यह रैली स्टेच्यू सर्किल से रवाना होकर 5 बत्ती, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, चौड़ा रास्ता, नेहरू बाजार, किशन पॉल बाजार से होकर सीताराम जी का मंदिर छोटी चौपड़ पर जाकर समाप्त हुई। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घर पीले चावल वितरण का कार्यक्रम 1 से 7 जनवरी को किया जाएगा। इस भगवा वाहन यात्रा रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है 500 वर्ष बाद, उसके उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। आज ये वाहन रैली यहाँ से रवाना होकर पूरे जयपुर शहर में जाएगी, उसके बाद छोटी चौपड़ पर इसका विसर्जन होगा सीताराम जी मंदिर में। वहाँ से सभी बस्ती वाले हम सभी लोगों को पीले चावलों का वितरण करेंगे, जो 1 से 7 जनवरी के बीच हर घर घर में पहुँचेगा। ये आह्वान है राम मंदिर के लिए। इस रैली में कितने लोग हैं अभी शामिल हो, क्या क्या मार्ग है? इस रैली में तकरीबन 3,500 लोगों का लगभग आगमन है। जो भगवा रैली निकल रही है, ये अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है उसके निकल रही है। आज हम यहाँ से स्टैचू सर्किल से छोटी चौक पर सीताराम जी के मंदिर जाएंगे। वहाँ हमको पीले चावल बांटे जाएंगे, जो हम फिर लाकर हमारे घर घर में बांटेंगे। और हम चाहते हैं हमारे प्रभु राम, जो श्री राम जी हैं, उनका मंदिर बहुत भव्य विशाल बने, और सबसे निवेदन है कि वहाँ जाए जब उनका मंदिर का उद्घाटन है, वहाँ जाके सब दर्शन करें। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस मंदिर के निर्माण